नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 25 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब तीसरी नजर से होगी गांव की सुरक्षा। सीएम नीतीश ने की राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने 376 पदों पर निकाली रिक्तियां। अब सदन में सभी सवालों के मिलेंगे जवाब। अब मार्च 2022 तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अब तीसरी नजर से होगी गांव की सुरक्षा। बिहार के सभी गांव पर अब तीसरी नजर रहने वाली है, क्योंकि अब पंचायती राज विभाग ने यह कार्य योजना बनाई है कि बिहार के सभी गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ग्राम पंचायतों की वार्ड प्रबंधन और क्रियान्वयन समितियों की अनुशंसा के आधार पर गांव में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की वार्ड प्रबंधन और क्रियान्वयन समितियों की अनुशंसा के आधार पर ही यह काम होगा। वार्ड समितियों की अनुशंसा के बाद पंचायत स्तर पर इसका अनुमोदन भी होगा। इसके बाद चिन्हित जगहों पर कैमरे लगाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग ने यह पहल गांव में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा मुहैया करवाने आदि मकसद से की है। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने 376 पदों पर निकाली रिक्तियां। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर, ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर के कुल मिलाकर 376 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 1.5 से 2 साल के अनुभव के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही अगर हम आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 23 वर्ष है ई वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर पद के लिए और 24 साल सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर पद के लिए और अधिकतम आयु 35 साल है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 9 दिसंबर 2021 तक बैंक ऑफ बड़ौदा की आधिकारिक वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। पहचान में हम बात करेंगे अनामिका की। अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। अनामिका हिंदी की कवियत्री हैं। उन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्यिक सम्मान भारत भूषण अग्रवाल एवं केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। सन 2021 में उनको उनके टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। आधुनिक समय में हिंदी भाषा के प्रमुख कहानीकार और उपन्यासकार हैं। समकालीन हिंदी कविता के सर्वाधिक चर्चित कवियत्रियों में से वो शामिल है। अंग्रेजी की प्राध्यापिका होने के बावजूद अनामिका ने हिंदी कविता कोश को समृद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बिहार में अब खुले में कचरा जलाना पड़ेगा महंगा। अक्सर आपने गली नुक्कड़ों में देखा होगा कि स्थानीय लोग कचरा नगर निगम की गाड़ी में तो देते ही हैं, साथ ही कुछ कचरों को आसपास के खाली मैदान में फेंक देते हैं। वहीं समय के साथ जब कचरों का अंबार लग जाता है तो उस कचरे को जलाने का काम करते हैं। हालांकि अब ऐसा करना आपके लिए ही नुकसानदेह होने वाला है, क्योंकि राज्य में ठोस कचरे को खुले में जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास विभाग ने कहा है कि हेल्पलाइन जारी कर दी गई है और इस संबंध में आ रही शिकायतों का जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। राज्य में प्रदूषण बढ़ने के बीच नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत स्टीयरिंग कमेटी की मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है, क्योंकि पटना, गया और मुजफ्फरपुर में मौसम बदलने के साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण पर विचार किया जा रहा है। अब विधानसभा चुनाव में हो सकता है पंचायत चुनाव के तकनीक का इस्तेमाल। बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव का आयोजन हो रहा है। 8 चरणों के मतदान का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है, जिसकी सराहना देश के कई राज्यों में भी हुई है। इसको लेकर दिल्ली और चंडीगढ़ की टीम भी हाल ही में बिहार पहुंची थी, जबकि इससे पहले ओडिशा और गुजरात के राज्य निर्वाचन आयोग की टीम पंचायत चुनाव में हो रहे तकनीक के उपयोग को देखकर लौट चुकी है। प्रदेश में पहली बार पंचायत चुनाव में ही OCR मशीन, मतदाताओं की पहचान के लिए बायोमेट्रिक मशीन और मतदान के समय लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके बाद ही दूसरे राज्य से आई टीम ने अपने अपने राज्यों में होने वाले पंचायत और विधानसभा चुनाव में नई तकनीक का इस्तेमाल करने पर सहमति जताई है। वेरिफिकेशन में नहीं होगी फिंगरप्रिंट स्कैन की जरूरत। आधार नियामक यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक बड़े प्लान पर काम किया जा रहा है, जिससे यूजर के स्मार्टफोन को यूनिवर्सल ऑथेंटिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। मौजूदा वक्त में फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन और वन टाइम पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जल्द ही स्मार्टफोन से ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जा सकेगा। साधारण शब्दों में कहें तो यूजर को अभी राशन और पेंशन जैसी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए फिंगरप्रिंट या फिर आंखों को स्कैन करना होता है, लेकिन जल्द ही इसकी जगह स्मार्टफोन को इस्तेमाल किया जा सकेगा। लालू यादव ने 11 फीट ऊंची और 6 टन भारी लालटेन का किया उद्घाटन। बीते दिन सालों बाद लालू प्रसाद यादव राजद कार्यालय पहुंचे, जहां पहुंचकर उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत तो किया ही, साथ ही उन्होंने इस दौरान 11 फीट ऊंची और 6 टन भारी लालटेन का
उद्घाटन किया है, जो कि अब राजद कार्यालय में 24 घंटे जलती रहेगी। ज्ञात हो इस लालटेन को राजस्थान में गुलाबी पत्थर से तैयार किया गया है। ये लालटेन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह की देखरेख में हुआ है। इस लालटेन का निर्माण पार्टी कार्यालय में उसी स्थान पर किया गया है जहां वर्षों से झंडोत्तोलन होता आया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की माने तो यह उनके लिए विशेष अवसर है। 2022 तक गरीबों को मिलेगा मुफ्त राशन। कोरोना की मार के कारण हर एक नागरिक को आर्थिक तौर पर मार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उच्च कोटि के लोगों को फिर भी इस मार से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन केंद्रीय कैबिनेट ने बीते दिन गरीबों के लिए अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत केंद्र सरकार की तरफ से मार्च 2022 तक गरीबों को मुफ्त राशन दिए जाने की बात कही जा रही है। यानी कि अब अगले साल मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। इस योजना के तहत सरकार लगभग 80 करोड़ NFSA लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है। PMJKY को मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे केंद्रीय राजस्व पर 53,344 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। बिहार के मुंगेर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मुंगेर में ऐतिहासिक किला है, यहाँ पर सीता कुंड नामक प्रमुख कुंड है। मुंगेर से 6 किलोमीटर पूर्व में सीता कुंड मुंगेर आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस कुंड का नाम पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी सीता के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि जब राम सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर लाए थे तो उनको अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता ने जिस कुंड में स्नान किया था वो कुंड यहीं पर है। परिषद में कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन। बीते दिन बिहार विधान परिषद ने कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन किया है। इसको लेकर सभापति के आदेश के बाद विधान परिषद सचिवालय ने पत्र जारी किया है। बिहार विधान परिषद की 199 सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें कार्यकारी सभापति पदेन अध्यक्ष होंगे, जिसमें सबसे खास बात यह होगी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस कमेटी में होंगे। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, सत्तारूढ़ दल के उपनेता देवेश चंद्र ठाकुर और नवल किशोर यादव के अलावा राबड़ी देवी भी कार्य मंत्रणा समिति की मेंबर होंगी। वहीं संजय कुमार सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, रामचंद्र पूर्वे, डॉक्टर रामवचन रॉय, केदारनाथ पांडे, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, संजीव श्याम सिंह, प्रेमचंद्र मिश्रा, वीरेंद्र नारायण यादव और खालिद अनवर विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर होंगे। अब सदन में सभी सवालों के मिलेंगे जवाब। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान अक्सर माननीयों की इस बात की शिकायत देखने को मिलती है कि अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जो सवाल किए गए वो सदन में प्रस्तुत नहीं किए गए। कम समय के कारण कई बार ऐसा होता रहा है, लेकिन इस बार बिहार विधान परिषद में इस शिकायत को दूर करने की कोशिश की जा रही है। पहली बार बिहार विधान परिषद में ई सदन की शुरुआत इसी को ध्यान में रखकर की जा रही है। बिहार ही नहीं, समूचे भारत में बिहार विधान परिषद ऐसा पहला सदन बनने जा रहा है जहां इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। ई सदन की शुरुआत आज सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। इस बाबत विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने बताया है कि हमारे विधान परिषद देश का पहला सदन है जहां ई सदन की शुरुआत की जा रही है। अब जानते हैं बिहार के मौसम का ताजा हाल। बिहार में पछुआ हवा का बहना लगातार जारी है, जिसकी वजह से राज्य का मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट के आसार है। इसी बीच उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री और दक्षिण बिहार में 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। सुबह के समय में घने कोहरे छाए रहेंगे, हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य होने की स्थिति जताई गई है। इधर राज्य के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता बनी हुई है। राज्य के 38 जिलों में पटना बीते दिन सबसे ठंडा रहा। बुधवार को पटना का न्यूनतम पारा 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। विवाद के बीच पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के नए वीसी की हुई नियुक्ति। बिहार में कुलपति की नियुक्ति को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। हाल ही में आपने यह खबर जरूर सुनी होगी कि मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला और निगरानी रेड पड़ी थी, जिसके बाद उनके पास करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, जिसके बाद ही कुलपति से जुड़ा मामला गहराने लगा था। हालांकि इन सबके बीच बीते दिन राजभवन ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत प्रोफेसर आरके सिंह को अगले 3 सालों के लिए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। वहीं प्रोफेसर संजय कुमार को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वीसी नियुक्त किया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि LNMU के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर ज्यादा कीमत पर उत्तर पुस्तिकाओं की खरीद का आरोप लगा है। 7,000 से अधिक पदों पर पारा मेडिकल कर्मियों की होगी नियुक्ति। बिहार में जल्द ही 7,000 से अधिक पदों पर पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी, जिसके तहत 1,539 फार्मासिस्ट तो वहीं 1,638 ड्रेसर नियुक्त होंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी साझा कर दी है। साथ ही बताया है कि सामान्य चिकित्सकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों और ANM की नियुक्ति के बाद पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति का प्रस्ताव है। विभागीय सूत्रों की माने तो पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति तकनीकी सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए नियुक्ति का प्रस्ताव आयोग को भेज दिया गया है। जल्द ही आयोग के माध्यम से नियुक्ति हेतु योग्य आवेदक से आवेदन आमंत्रित किया जाएगा।
के ऊपर होगी सौर ऊर्जा की खेती। बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बीते कई सालों से सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने एक और तरकीब निकाली है, जिसके तहत सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाया जा रहा है। फेज वन में 2600 सरकारी भवनों को शामिल किया गया है, जिसका काम इस महीने के अंत तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रेडा जल्द ही फेज टू की शुरुआत करने जा रहा है। इसको लेकर सभी विभागों से डेटा मंगा लिया गया है, उसके बाद उन विभागों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का काम किया जाएगा। सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगने के बाद उस भवन में खपत के बाद बची हुई बिजली आपूर्ति को ग्रिड के माध्यम से बिजली कंपनी को भेज दिया जाएगा, जिससे कि राहत की बात यह होगी कि सरकारी भवन से भी लाखों रुपए के बिजली बिल का झंझट खत्म हो जाएगा। शराब के खिलाफ 26 नवंबर को होगा बड़ा अभियान। बिहार में चौतरफा घिरी बिहार सरकार अब अपनी भूल सुधारने में लगी हुई है, क्योंकि शराबबंदी कानून लागू करने का दावा करने वाली सरकार के नाक के नीचे शराबियों का तांडव चल रहा था और सरकार को कानो कान इसकी भनक नहीं थी, जिसके बाद से ही सरकार हरकत में आई है और अब मैराथन जांच अभियान चलाया जा रहा है। वहीं 26 नवंबर को अब सरकार नए सिरे से अभियान को तेज करने वाली है, जिसके तहत शुक्रवार को बिहार में प्रखंड से लेकर जिला प्रमंडल और राज्य मुख्यालय तक के सरकारी कर्मचारी और अफसर शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर डीएम के जरिए इसे मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग को भेजा जाएगा। इसको लेकर मुख्यालय स्तर, प्रमंडल स्तर और जिला स्तर पर पदाधिकारी और कर्मियों के शपथ पत्र समारोह की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। विजिलेंस यूनिट ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को लिखा पत्र। मगध विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिका खरीद मामले में अनियमितता पाए जाने के बाद बिहार के सभी विश्वविद्यालय ने भी उत्तर पुस्तिका की जांच करने को लेकर निगरानी विभाग की स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने सभी विश्वविद्यालय को पत्र जारी किया है और जांच करने की बात कही है। साथ ही इस पत्र में साल 2019 से लेकर अब तक की खरीदारी की जानकारी मांगी गई है। साथ ही साथ सभी की मूल रिकॉर्ड की जानकारी के साथ सक्षम व्यक्ति द्वारा 23 दिसंबर तक पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा कॉपी खरीद में गड़बड़ी होने के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट को कई तरह की शिकायतें मिल रही है, जिसके बाद से यह निर्णय लिया गया है। सीएम नीतीश ने की राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात। इन दिनों बिहार विश्वविद्यालय के विवादों में फंसने के बाद बीते दिन सीएम नीतीश ने दोपहर 12 बजे के करीब राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की, के बाद राज्यपाल फागू चौहान दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जिसके बाद आज वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले दिनों मगध विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के गया और गोरखपुर के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापे मारे थे। इसके बाद निगरानी ने विश्वविद्यालयों से किताब खरीद के बारे में भी ब्यौरा मांगा है। ये सारे विवाद विश्वविद्यालयों से ही जुड़े हैं। सीएम ने राज्यों के गांव को शहर बना दिया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीते दिन सीएम नीतीश की तारीफों के पुल बांध दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी गांवों को शहर बना दिया है। शहरों में मिलने वाली हर सुविधा अब गांव के लोगों को भी मिल रही है। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने नीतीश कुमार को नए बिहार का निर्माता बताया। ज्ञात हो बीते दिन नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार के 15 साल पूरे होने पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उक्त बातें कही गई थी। साथ ही ललन सिंह ने राजद शासन के 15 साल और नीतीश सरकार के 15 साल की तुलना की। बेहाल है बिहार की जनता। बीते दिन सीएम नीतीश के कार्यकाल के 16 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन पूरे बिहार में किया गया था। हालांकि सरकार का यह जश्न बिहार के विपक्षी दलों को रास नहीं आया। यही कारण है कि जहां एक तरफ सरकार जश्न मना रही थी, वहीं कांग्रेस ने सरकार पर जमकर प्रहार किया है, जिसके तहत ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और केरल के प्रभारी तारिक अनवर ने बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 15 साल के नीतीश कुमार के शासनकाल में एकमात्र उपलब्धि नीतीश कुमार की यही रही है कि वो येन केन प्रकारेन सत्ता का नेतृत्व ले ले रहे हैं, जबकि उनके शासनकाल में शिक्षित बेरोजगारों की भरमार, अपराधियों का अंबार, स्वास्थ्य और शिक्षा भी बेकार और घोटालों का अंबार लगा हुआ है। उनके ही सहयोगी भाजपा की केंद्र में सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, ऐसी रिपोर्ट आई है। गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को छोड़ा पीछे। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की लड़ाई में गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब गौतम अडानी को यह उपलब्धि मिली है। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी एशिया में अब मुकेश अंबानी से आगे हो गए हैं। अभी तक अडानी एशिया में दूसरे नंबर पर थे। पिछले हफ्ते मुकेश अंबानी की संपत्ति 91 अरब डॉलर थी, जबकि अडानी की संपत्ति 88 अरब डॉलर थी। ब्लूमबर्ग की तरफ से साझा की गई रिपोर्ट को अगर हम देखें तो गौतम अडानी की संपत्ति इस साल जनवरी से अब तक 55 अरब डॉलर बढ़ी है, वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति केवल 14.3 अरब डॉलर बढ़ी है। भारत के इतिहास में आज
की तारीख कई कारणों से दर्ज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1866 में उद्घाटन हुआ। भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना 1948 में आज ही के दिन हुई। स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्ययन में 1949 में हस्ताक्षर किया गया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बेनजीर भुट्टो 2001 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिली। त्रिपुरा के राजनीतिज्ञ और त्रिपुरा के 10वें मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव का जन्म 1969 में आज ही के दिन हुआ। भारत के 5वें उप प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राव चौहान का निधन 1984 में आज के दिन हुआ। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर रामास्वामी परमेश्वरन का निधन 1987 में आज के दिन हुआ था। भारत की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का जन्म 1982 में आज के दिन हुआ था। प्रबल दावेदार मानी जा रही है टीम इंडिया। 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड की टीम तैयार है 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। आज दोनों टीम मैदान में उतरेगी, जो कि सुबह 9:30 भारतीय समयानुसार शुरू होगा और यह पहला टेस्ट मैच ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में खेला जाएगा। दोनों देश के बीच गुरुवार यानी कि आज टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है। यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेला जाना है, इसलिए दोनों टीम के लिए यह अहम होने वाला है। जिसके बाद आज की संभावित प्लेइंग 11 की अगर हम बात करें तो इसमें अजिंक्य रहाणे बतौर कप्तान, चेतेश्वर पुजारा उप कप्तान, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर या सूर्य कुमार यादव, रिद्धिमान साह विकेटकीपर, रविन्द्र जडेजा, आर अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा के नाम शामिल हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,200 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,450 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,700 रुपए था। वहीं राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर था। राज्य की हर मीटिंग में अब आगे बैठेंगी महिलाएं। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से ही इस बात का अंदाजा तो लग चुका है कि बिहार सरकार का मुकाबला करने के लिए राजद तैयार है और हर चुनाव में कड़ा टक्कर दे सकती है। इसी में अब राजद भी जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की जुगत में लग गई है, जिसके तहत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बीते दिन बड़ी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि किसी भी बैठक में महिलाओं को अब आगे बैठना चाहिए। वो आधी आबादी है, आधा वोट दिलाती है। दरअसल बीते दिन राजद कार्यालय पहुंचे लालू प्रसाद यादव, जैसे ही मंच पर पहुंचे उन्होंने देखा कि महिलाएं पीछे खड़ी हैं, जिसको देखने के बाद उन्होंने आगे से किसी भी बैठक में अब महिलाओं को आगे रहने की बात कही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सनोज कुमार, श्वेता रॉय प्रदीप, सोनम सिंह, देवराज दोस्ता, मनीष कुमार, अमारीत कुमार, मनीष सिंह, अभिषेक कुमार, अंशु पाठक, कृतिका कनिका, कमलेश्वर पटेल, मृत्युंजय कुमार, राजीव कुमार, अशोक कुमार, शंभु कुमार, मुकेश कुमार, प्रदीप कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आपके जिले की बोली कौन सी है? अपने जवाब में जिले के नाम के साथ जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद।